देखिए, अभी आज मेरे क्षेत्र में दो घटनाएं घटी हैं। एक 2:30 बजे रात में ट्रिपल मर्डर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जिसके 3 दामाद हैं, 2 बच्चे हैं, और उसके एक दामाद ने अपने एक साढ़ू भाई, एक साले को और ससुर को आज सुबह 2:30 बजे के आसपास उसने मार डाला और घर से भागने की कोशिश में छत से गिरा। वो भी घायल है, पुलिस कस्टडी में है। और दूसरी जो घटना घटी है वो ये नंदनगरी घटना है जो मैंने आपको बताई। दूसरी है बुराड़ी की। बुराड़ी में एक व्यक्ति ने एक लड़की को सरेआम चाकुओं से गोद डाला। उसकी जो कहानी अभी हमने आज उसके लिए स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर SBK सिंह जी से हमने मुलाकात भी की, पूरी घटना की जानकारी ली। ये दोनों घटनाएं हृदय विदारक और दुखद हैं, लेकिन इसको दिल्ली की कहने के बजाय इसको मानवता का हनन कहिए। पता नहीं इंसान कैसा होता जा रहा है। जो बुराड़ी की घटना है उसमें दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, वन साइड अफेयर की बात नहीं है, दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। और उसने अपना सिम दिया था उनको, वो सिम वापस लड़की से लिया है तो उस सिम में आपत्तिजनक कुछ चीजें आई है, जिसके बाद उसका गुस्सा हो गया, उसने जाके मार डाला। क्योंकि उसके सिम से और इससे से कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि उसका किसी और से अफेयर था। बट इंसान इतना गुस्से में सामने वाले को भी मार डाला, कानून अपने हाथ में लिया और स्वयं की भी जिंदगी बर्बाद कर लिया। उसने उसको एक झटके में मार डाला, बाकी वो जो कानूनी सजा उसको भुगतते भुगतते तिल तिल करके मरेगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों घटनाओं से जो हम देख रहे हैं, आपने सही शब्द प्रयोग किया, गुस्सा। दिल्ली के लोगों को गुस्सा रोड रेज में भी दिखता है, ऐसी घटनाओं में दिखता है, जो कहीं ना कहीं हम सिर्फ पुलिस से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन घटनाओं में जल्दी पता चले। लेकिन घर के अंदर घटनाएं हो जाए तो पुलिस भी क्या करे। जैसे अब पुलिस किसी घर में जाके तो पहरा नहीं दे सकती, और वो संभव ही नहीं किसी के व्यक्तिगत जीवन में आना। लेकिन दोनों घटनाएं आज जो हमारे क्षेत्र में घटी हैं वो बहुत ही दुखद है, और वो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं।